दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल समझ फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को भाई एक चीज बताने वाला हूँ। खुफिया राज है, आप सभी के लिए है, लेकिन ये सभी लोग कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर बना रहे हैं, लेकिन मैंने जो ट्राई किया, मैंने जो रिवील किया वो थोड़ा अलग था। कॉपी पेस्ट वाला, बहुत सारे लोग का वीडियो देखते होंगे ना कि मूवी डाउनलोड करो, अपने चैनल पे डालो, अपना चैनल बर्बाद कर लो। ये भाई ऐसा नहीं करना, कोई भी मूवी डाउनलोड करने के लिए नहीं आती है। कोई मूवी अगर रिलीज करता है तो वो खुद अपने पहले अपनी कमाई करता है, उसके बाद वो छोड़ता है। लेकिन कभी भी ये नहीं है कि आपको ओरिजिनल मूवी का जो रील्स होता है जो दे देगा कि आप उससे कमाई कीजिए, तो उनका कमाई कहाँ से होगा, बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए भाई कोई भी ऐसा नेटफ्लिक्स हो, कोई भी चैनल हो, तो वो अपना मूवी तुमको नहीं देगा, और कहीं से भी डाउनलोड करने की सोचिए मत, ठीक है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है, आप कहीं गए हैं वहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो आपको आप अपने चैनल पे डालेंगे तो भी आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, मूवी के अपलोडर नहीं हो। मूवी अपलोडर वाले कुछ अलग लोग होते हैं जो अपलोड कर देते हैं तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी मिलता नहीं है। सभी लोग झूठ बोलते हैं भाई। अपना चैनल बर्बाद करना है तो किसी की वीडियो देख के अपने चैनल पे मूवी डाउनलोड कर दो, या यूट्यूब से ही वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल दो, या फेसबुक से अपने वो वीडियो देखा, फेसबुक का वीडियो अच्छा लगा, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो, और इंस्टाग्राम की वीडियो देखा, अपने चैनल पे डाल दो और बर्बाद कर लो। भाई ये सब नहीं करना है। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, कुछ अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, अपना मार्केट बनाना चाहते हो, अपने नाम का मार्केट, इस चेहरे का पहचान बनाना चाहते हो ना, तो इन सब का किसी का भी बात नहीं सुनना है, ठीक है, सिवाय मेरी। मैं आपको जो बताऊंगा एकदम फैक्ट बताऊंगा और ओरिजिनल बताऊंगा कि करना क्या है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे की वीडियो डाल के, तो उसको भी करना कैसे है, ठीक है। दूसरे की वीडियो डालिए बीच बीच में, जैसे आपने कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो बीच बीच में जब एडिट करते हैं ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मेम्स की तरह अपने यूट्यूब चैनल पे वो डाल सकते हो, ठीक है। वीडियो एडिट करने के टाइम पे वो भी 5 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर का होने चाहिए, 5 के अंदर होना चाहिए, 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 सेकंड नहीं होना चाहिए, 5 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड इतने तक का होना चाहिए। आप हर वीडियो हर जगह से, यानी हर एक वीडियो से 4 सेकंड के वीडियो डाल सकते हो, और बीच बीच में अपने कंटेंट को थोड़ा मनोरंजन की तरह यूज कर सकते हो। आपका कंटेंट ऊपर जाएगा 101%, और कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है अभी ऐसा ही कीजिए, और ज़्यादातर हो सके तो कहीं से भी कोई मत कुछ मत डालो, ठीक है। यदि आपने अपने चैनल पे ऐसा कुछ गलती किया है तो आपका चैनल जो है डीमोनिटाइज कर दिया जाएगा, या डिमोनिटाइज नहीं हुआ है तो 1-2 वीडियो आने की सोच रहा होगा कि आपका एक वीडियो आए उसी के ऊपर हम डायरेक्ट धड़ाम से मार दें, आपका चैनल डिलीट हो जाए। आपका चैनल डिलीट हो जाएगा तो एक धरती का बोझ कम हो जाएगा यूट्यूब से, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। यूट्यूब ने बहुत कुछ देखा है कि अभी के टाइम पे जितना यानी कॉपीराइट वायलेंस आ रहा था ना, इसके बारे में भी रूल्स नया निकाल दिया है कि आप लोग वीडियो डालते हो कॉपीराइट वायलेंस आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक मिल जाते हैं आपको, जो आपका चैनल जो है बर्बाद हो जाता है। तो उन सब का सॉल्यूशन लेके आया है अपडेट यूट्यूब ने, देखते हैं आगे क्या आया है। पूरा निष्कर्ष अभी बताया नहीं, लेकिन वो लोग सर्चिंग में लगे हुए हैं, बोट चालू कर दिया है उन्होंने, कि देखते हैं कितना फ़ायदा होता है, कितना क्रिएटर को, क्रिएटर जो बनना चाहता है, जो ओरिजिनल क्रिएटर बनना चाहता है, भाई साहब हमारी तरह बनेगा। अब बोलो क्यों बनेगा भाई, जो अपने मन से यूट्यूब की वीडियो बनाएगा, जो अपना टॉपिक ढूंढ ढूंढ के बनाएगा, जो उसके समय उसका उसको समय देगा, उसी का चैनल जो है आगे जाएगा, और जो दूसरे के वीडियो अपने चैनल पे डालेंगे वो खटाखट जल्दी से अपना ऊपर कट कट करा लेंगे, क्योंकि उनका उड़ जाएगा, चैनल डिलीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग होशियारी करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे का प्लेटफॉर्म का देखा भाई कुछ अच्छा वीडियो डाला है, फटाफट अपने चैनल पे वही वीडियो उसी टाइप का, भाई उस टाइप का मत बनाओ, थोड़ा उससे अलग बनाओ।
अगर आप अपने चैनल की वीडियो को वायरल करना चाहते हैं ना, थोड़ा अलग डालो ताकि लोगों को दिखने में थोड़ा अलग लगे। और भाई एक ही टाइप की, जैसे मनोज ट्रेन ने जो बताया सेम चीज वही बताओगे तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपसे अच्छा तो मनोज डे ने बता चुका है। अब मनोज डे की कॉपी करोगे तो वो आपके चैनल पे कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको ही देखना है तो उसका फेवरेट है मनोज डे भाई, पहले का है, क्रिएटर है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अच्छी खासी वीडियो बनाती है, ना कोई बोल में हिचक है, ना कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो दूसरे की उस वीडियो को देख लेगा, आपकी वीडियो नहीं देखेगा। हाँ, आपको कुछ उसके जैसे करना है तो उससे बड़ा सोचो कि उसने ये बताया है तो मैं उससे बेहतर बताऊं, बेहतर की जिंदगी। भाई किसी को अगर YouTube के बारे में बता रहे हो तो उसके चैनल के बारे में बताओ कि उसका टैग टाइटल होना ज़रूरी है कि नहीं। यदि आपने वीडियो बनाया है अच्छा खासा तो उसमें थोड़ा समय और दे, टाइटल डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, टैग डाले, ठीक है, ये तीन चीज़ आवश्यक है। और इसके साथ साथ एक अपना फेसबुक का अकाउंट बना लीजिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिए, ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए, तीन चैनल बना लीजिए और एक ही नाम से बनाइए, ताकि आप सब जब भी वहाँ से अपडेट डालें तो आपके चैनल तक पहुँचे और आपका चैनल से उनके यानी ऑडियंस तक पहुँचे। 10-20 ऑडियंस फेसबुक से मिल जाते हैं, 10-20 ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, 10-20 ऑडियंस जो है ट्विटर से मिल जाते हैं, 10-20 ऑडियंस जो है यूट्यूब से मिल व्हाट्सएप से मिल जाते हैं, 10-20 ऑडियंस जो है आपको यूट्यूब की तरफ से 150 तो पर डे मिल रहे हैं ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं जो है वो सब कोई काम नहीं करता, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे हर जगह पे जाता फिरूँ, उतना पैसा नहीं है मेरे पास घर पे बैठने का। हाँ, अगर मेरे पास उतना समय होता तो एक वीडियो जब क्रिएट करता, बढ़िया सा अकाउंट बनाता, मस्त अकाउंट एकदम थकास और उन सबको एक में जोड़ देता, सभी को अच्छे से लेके चलता, तो मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं उतना करके बैठूं। मेरे पास नौकरी है भाई, पार्ट टाइम मैं यूट्यूब पे करता हूं और पार्ट टाइम जॉब करता हूं, पार्ट टाइम से भी कम यूट्यूब पे समय देता हूं, बहुत कम समय देता हूं मैं मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब से उतनी कमाई नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हो रही है, उतना खास नहीं हो रहा है जितना मैं एक्सपेंस सोच रहा था, जितना मोटिवेट हो रहा था कि मेरा चैनल 4000 क्रॉस कर जाएगा तो यूट्यूब जो है मेरे को 500 रुपये एक दिन का देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। जब तक मेरे पास सब्सक्राइबर 20,000 थे, 30,000 नहीं आएंगे, मैं यूट्यूब से कमाई ही नहीं कर सकता। आप सोच भी नहीं सकते कितना दिक्कत होती है मेरे को, यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को अच्छा कंटेंट बताता हूँ कि वीडियो के कंटेंट आपके कैसे होने चाहिए, टैग टाइटल कितने इम्पोर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन कितना इम्पोर्टेंट है, SEO क्या होता है, ये सब चीज़ बताया है मैंने। यदि आप नहीं देखते हैं तो वो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर देना मेरे चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं बिटकॉइन से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ। भाई पैसा मिलता है, पैसा, किसी को विश्वास हो या ना हो। चलिए मैं वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ।